नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल SSC Solutions with अनुज। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारा SSC CHSL का पेपर होगा अब 1 जुलाई से। तो डेली हम जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं SSC CHSL के, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो ज़्यादातर पूछे गए हैं, रिपीट हुए हैं, उन्हीं के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। देखो, पहला क्वेश्चन जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो अगर हम बात करें हमारा GK GS में, वो है अब सेंसस 2011। क्या है सेंसस 2011? अगर मैं जनगणना 2011 की बात करूं तो आप किसी भी एग्ज़ाम में देख लीजिएगा, उसमें से आपका एक या दो क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन पूछा गया है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे अधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? देखो बच्चों, पहले चीज़ पूछी जाती थी स्टेट के बारे में, ठीक है, कौन सी सबसे ज़्यादा लिटरेट स्टेट है, कौन सी नहीं है, कम है। अब ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं डिस्ट्रिक्ट्स के बारे में। किससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं? डिस्ट्रिक्ट के बारे में पूछे जाते हैं। तो आप ये चीज़ याद रखिएगा, इसने पूछा है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे अधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है। तो अगर मैं बात करूँ शेरचिप कहाँ पर है बच्चों? मिजोरम में है। कहाँ पर है शेरचिप? मिजोरम में है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। जो शेरचिप मिजोरम है वो सबसे अधिक साक्षरता वाला जिला है, डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, उसके बारे में देख लेते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार शेरचिप भारत का सबसे अधिक साक्षर जिला था। शेरचिप भारत के मिजोरम राज्य का एक शहर है। 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार शेरचिप जिले में औसत साक्षरता दर 98.23% थी। ठीक है, अब बात की गई है साक्षरता दर की। अगर मैं साक्षरता दर में स्टेट की बात करूं तो सबसे ज़्यादा किस में है? केरला में है। सबसे ज़्यादा कौन सा है? केरला। अगर मैं कम की बात करूं तो सबसे कम कौन सा है बच्चों? सबसे कम है हमारा बिहार, ठीक है। और अगर हम डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो सबसे ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट शेरचिप मिजोरम। मध्य प्रदेश के अलीराजपुर भारत में सबसे कम साक्षर जिला है। अगर सबसे कम पूछा जाए तो मध्य प्रदेश का अलीराजपुर। देश में राष्ट्रीयता जो साक्षरता है, जो ओवरऑल लिटरेसी रेट है, वो 74.04 है। मैन की है 82.14 और महिलाओं की है 65.46। और केरल में 93.91 साक्षरता दर के साथ शीर्ष स्थान बरकरार रखा है, ठीक है। देखो ये तो मैंने आपको समझा दिया, सबसे जो मेन चीज़ याद रखनी है बच्चों वो याद रखनी है, अगर आपसे स्टेट पूछी जाए साक्षरता दर में तो वो है केरला, ठीक है। कौन सी है स्टेट? केरला। अगर लिस्ट पूछी जाए तो बच्चों लिस्ट में आ जाएगा आपका बिहार। दो चीज़ ये याद रखनी है, ठीक है। अब एक आपका जो लिस्ट सबसे ज़्यादा जिला है वो है शेरचिप मिजोरम, जो कि कहाँ पे है आपका? मिजोरम में है। और अगर सबसे कम पूछा जाए तो अलीराजपुर मध्य प्रदेश। अगला पॉइंट याद रखना है, राष्ट्रीय साक्षरता दर कितनी है? 74.04 है। पुरुषों की है 82.14 और महिलाओं की है 65.46, ठीक है, ये आपने अच्छे से पढ़ लेना है। उसके बाद आता है हमारा दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन कहता है, बिहार 63.8 साक्षरता दर के साथ समग्र श्रेणी में अंतिम स्थान पर है, ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से किस ग्रह के चंद्रमाओं की संख्या सबसे अधिक है? तो अगर मैं बात करूँ शनि ग्रह के, तो इसकी जो वो है सबसे अधिक है, शनि के 145 ज्ञात चंद्रमा है, ठीक है। शनि सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है, इसे सौरमंडल का रतन भी कहा जाता है। टाइटन जो है शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है, ये पॉइंट आपने याद रखना है। शनि ही एकमात्र ऐसा ग्रह है जो पानी में तैर सकता है। शनि का चंद्रमा टाइटन सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा चंद्रमा है और बृहस्पति के पास 95 चंद्रमा है। आपने बस एक ये लाइन याद रखनी है कि शनि के पास 145 ज्ञात चंद्रमा है और जो टाइटन है वो शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है और इसे सौरमंडल का रतन भी कहा जाता है, ठीक है बच्चों। उसके बाद आता है पाथवे टू गॉड नामक पुस्तक है, उसके लेखक कौन है? तो उसके लेखक हैं महात्मा गांधी। देखो पाथवे टू गॉड, इसको इंग्लिश में भी लिख देता हूं, इंग्लिश में क्या होगा? पाथवे टू गॉड, ठीक है। ये किसने लिखी थी ये पुस्तक? ये लिखी पुस्तक लिखी थी महात्मा गांधी जी ने लिखी थी। अगर मैं बात करूं स्टोरीज ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ, स्टोरीज ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ,
ठीक है। ये दोनों पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई हैं? दोनों पुस्तक महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखी गई हैं। पाथवे टू गॉड महात्मा गांधी द्वारा लिखित एक पुस्तक है। यह मूल रूप से 1971 में भारत में प्रकाशित हुआ था। राष्ट्रपति महात्मा गांधी भारत के पिता हैं, ठीक है। उनका जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। इसलिए 2 अक्टूबर को क्या मनाई जाती है? गांधी जयंती भी मनाई जाती है। उसके बाद उनके कुछ इंपॉर्टेंट देख लेते हैं, जैसे सत्य के प्रयोग। 30 जनवरी 1948 को बंदूक की गोली से उनकी हत्या कर दी गई थी। उन्होंने 1924 में अपने बेलगांव सेशन, जो बेलगांव सेशन हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, 1924 में के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया था। ये इंपॉर्टेंट है। 1924 में जो INC का सेशन हुआ था, कहाँ पे हुआ था बच्चों? बेलगांव में। कहाँ पे हुआ था? बेलगांव में हुआ था। उसमें ये क्या थे? उसमें इन्होंने हेड थे, ये उसके प्रेसिडेंट थे, ये आपने याद रखना है, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा, उसके बाद एक बात और दिखी गई है कि महात्मा गांधी की किताबें हैं हिंद स्वराज, मेरे सपनों का भारत। बात की गई है 1942 की। 1942 में इन्होंने क्या किया था? क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट किया था 8 अगस्त 1942 को। 8 अगस्त 1942 को क्विट इंडिया मूवमेंट, और इसमें इन्होंने एक नारा दिया था, डू और डाई। डू और डाई नारा दिया गया था, करो या मरो का नारा दिया गया था महात्मा गांधी जी के द्वारा। इनकी 3 पुस्तक मैंने बता दी, एक है आपकी हिंद स्वराज, एक है पार्ट वे टू गॉड, और एक है स्टोरीज ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर सरयू नदी के तट पर स्थित है? अगर मैं बात करूं सरयू नदी के तट पर, तो अयोध्या स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर है जो सरयू नदी के तट पर स्थित है? अयोध्या है। हैदराबाद तेलंगाना में मूसी नदी के तट पर स्थित एक शहर है। जयपुर राजस्थान की राजधानी है, और राजस्थान में एक नृत्य है मांड नृत्य, जिसको हम कहते हैं मांड नृत्य, ठीक है। इसे गुलाबी शहर भी कहा जाता है। अहमदाबाद गुजरात का एक शहर है, और अहमदाबाद शहर साबरमती नदी के तट पर स्थित है। और अगर पता हो, ये साबरमती आश्रम से अहमदाबाद यहाँ पे क्या हुआ था? डांडी मार्च हुआ था, साल्ट सत्याग्रह हुआ था। क्या होता है? डांडी मार्च हुआ था, या इसको हम क्या कहते हैं? साल्ट सत्याग्रह भी कहते हैं, ठीक है। ये हमारा यहीं से हुआ था, महात्मा गांधी जी ने किया था, ठीक है। उसके बाद आता है, डैश को आमतौर पर मिल्क शुगर या दुग्ध शर्करा भी कहा जाता है, क्योंकि यह दूध में पाया जाता है। तो क्या कहा जाता है? लैक्टोज को कहा जाता है बच्चों। क्या इसको कहा जाता है? लैक्टोज। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर हो जाएगा। अगर मैं बात करूं लैक्टोज की, तो देखो आपका जो शोर मिल्क है, जो खट्टा दूध है, या जो आपका कर्ड है, उसमें क्या पाया जाता है? कौन सा एसिड पाया जाता है? उसमें आपका लैक्टिक एसिड पाया जाता है। कौन सा एसिड पाया जाता है? लैक्टिक एसिड पाया जाता है। ये दोनों चीज़ें आपने याद रखनी है। लैक्टोज एक डाइसैक्राइड है जो ग्लैक्टोज और ग्लूकोज से बना होता है, C12H22O11 याद रखना है। दूध में मौजूद शर्करा को लैक्टोज कहते हैं। लैक्टोज को आमतौर पर मिल्क शुगर कहा जाता है, क्योंकि यह दूध में पाया जाता है। लैक्टोज एक कम करने वाली शर्करा है, ठीक है, एक कम करने वाली शर्करा है। आपने बस ये चीज़ें याद रखनी है, ठीक है बच्चों। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ढूंढ के लाया हूँ। ये क्वेश्चन अच्छे से करेंगे तो आपको CHSL में बहुत ही आसानी मिलेगी। जिस भी बच्चे का सिलेक्शन पोस्ट का पेपर है, CPO का है, उसमें आपको बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, ये फायदा मिलेगा। तमिलनाडु के निम्नलिखित त्योहारों में से कौन सा भगवान मरुगा को समर्पित है? देखो बच्चों, एक होता है थाईपोसम फेस्टिवल। कौन सा होता है? थाईपोसम फेस्टिवल। कहाँ का? तमिलनाडु का, ठीक है। ये किससे संबंधित होता है? आपका मुरुगा भगवान जी से समर्पित होता है। अब बात की गई है तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु में आपने याद रखना है एक डांस है भरतनाट्यम, ठीक है। क्या है? भरतनाट्यम डांस है, जो कि तमिलनाडु का है। आपने याद रखना है थाईपोसम तमिल हिंदू समुदाय द्वारा मुख्य रूप से दक्षिण भारत में मनाया जाने वाला त्यौहार है। थाईपोसम त्यौहार भगवान मुरुगा को समर्पित है। भगवान मुरुगा शिव और पार्वती के पुत्र हैं, ठीक है। थाईपोसम शब्द एक महीने के नाम और एक तारे के नाम का मेल है। यह त्यौहार केरल में थाईपोसम के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। ऐसा माना जाता है, देखो यहाँ केरल गलत है बच्चों, केरल नहीं आएगा, तमिलनाडु आएगा। ऐसा माना जाता है कि थाईपोसम भगवान मुरुगा के जन्मदिन का प्रतीक है। यह बुराई पर अच्छाई की जीत का उत्सव है, ठीक है। उसके बाद है कैशू नट्स। देखो बच्चों, काजू उगाने को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कैशू नट्स, ठीक है। कैशू नट्स के लिए आपकी कौन सी मृदा, कौन सी मिट्टी जो है सबसे उपयुक्त होती है? तो वो होती है बच्चों रेड लेटराइट सोयल। कौन सी होती है बच्चों? रेड लेटराइट सोयल होती है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। रेड लेटराइट सोयल का मतलब हो जाएगा आपका लाल लेटराइट मृदा।
जो रेड लेटराइट सोयल है लेटराइट चट्टानों के अपक्षय के कारण बनती है। काजू उगाने के लिए लाल लेटराइट मृदा सबसे उपयुक्त होती है और जो लेटराइट मृदा है में आयरन और एल्यूमिनियम की मात्रा अधिक होती है। लोहे के ऑक्साइड की मात्रा अधिक होने के कारण आमतौर पर इसका रंग क्या हो जाता है, लाल हो जाता है और यह भवन निर्माण के लिए उपयुक्त मानी जाती है। उसके बाद है तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल में रेड लेटराइट मृदा की भी चाय बागानों के लिए अधिक उपयुक्त है। उसके बाद आता है बच्चों अगला क्वेश्चन। देखो ये सारे क्वेश्चन आपको ब्लैक बुक में भी मिल जाएंगे, ठीक है। ब्लैक बुक का अगर आप मोस्ट रिपीटेड 500 क्वेश्चंस देखोगे ना उसमें भी मिल जाएंगे। बर्डी, ईगल और एल्बाट्रोस किस में होते हैं, ये होते हैं बच्चों आपके गोल्फ में। कौन से इंग्लिश में लिख देता हूँ, बर्डी, ठीक है। एक होता है बर्डी, एक होता है आपका ईगल और एक होता है एल्बाट्रोस, ठीक है। ये किसके हैं, ये आपके ईगल से संबंधित है, ठीक है, गोल्फ से संबंधित हैं। गोल्फ के आधुनिक खेल की शुरुआत स्कॉटलैंड में हुई। गोल्फ में बर्डी, ईगल, एल्बाट्रोस सभी शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। गोल्फ जो है आपका कोर्स में खेला जाता है और गोल्फ कोर्स में 9 या 18 छेद होते हैं। ब्रीबल एक छेद पर एक अंडर बराबर का स्कोर है और ईगल 2 अंडर पार का स्कोर है। ईगल जो है वो 2 अंडर पार का स्कोर है। उसके बाद है अल्बाट्रोस, 3 अंडर पार, बहुत दुर्लभ का स्कोर है। गोल्फ में इस्तेमाल होने वाले अन्य शब्द हैं एस, हैंडीकैप, फुट, ड्राइव, डफ, मुलगिन। देखो बच्चों ये तो पूछे नहीं गए कभी, लेकिन जो बार बार पूछा गया है वो पूछा गया है बर्डे, ईगल और अल्बाट्रोस। उसके बाद आता है चंपारण सत्याग्रह। तो चंपारण सत्याग्रह सभी को पता है 1917 में शुरू किया गया था। देखो 1917 में नील की खेती के खिलाफ चंपारण सत्याग्रह किया गया था। चंपारण सत्याग्रह भारत में महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह था। अगर मैं बात करूं आपसे, ये भी पूछ सकता है कि जो महात्मा गांधी जी थे उनका पहला सत्याग्रह कौन सा था, चंपारण सत्याग्रह था जो कि 1917 में था। यह बिहार के चंपारण में हुआ था। यह ब्रिटिश औपनिवेशक काल के दौरान बिहार में एक किसान विद्रोह था। यह भारत का पहला लोकप्रिय सत्याग्रह आंदोलन था, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं यूरोपियन बागान मालिकों द्वारा उच्च किराए और अवैध बकाया की मांग से चंपारण सत्याग्रह हुआ। इस सत्याग्रह के अंत में अंग्रेजों ने किसानों की मांगों को मान लिया। देखो बच्चों अब आता है स्वामी विवेकानंद ने डैश वर्ष में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। देखो बच्चों रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी, ये तो इसने खुद बता दिया, किसने की थी, स्वामी विवेकानंद ने की थी। याद कैसे रखोगे, 1897 में की थी। कब की थी, 1897 में। और स्वामी विवेकानंद जी की एक पुस्तक थी जिसका नाम था माई मास्टर, ठीक है, पुस्तक का नाम क्या था, माई मास्टर। उसके बाद देख लेते हैं रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने 1897 में की थी। रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय पश्चिम बंगाल के बेलूर मठ में स्थित था। मिशन का नाम भारतीय संत रामकृष्ण परमहंस के नाम से प्रेरित था। रामकृष्ण परमहंस स्वामी विवेकानंद जी के गुरु थे, ठीक है। आपने यह भी याद रखना है कि रामकृष्ण परमहंस कौन थे, स्वामी विवेकानंद जी के गुरु थे, ठीक है, आपने इतना याद रखना है। उसके बाद है अगला क्वेश्चन कहता है ओपन सोर्स। निम्नलिखित में से कौन सा एक मुफ्त या ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। अगर मैं बात करूं ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा नहीं है, विंडो आपका ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। उबंटू है, एंड्रॉइड्स है और लिनक्स है, ठीक है, ये सारे आपके क्या हैं, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम हैं। विकल्पों में से केवल विंडोज़ एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। विंडोज़ माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विपणन किया गया एक क्लोज्ड सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। माइक्रोसॉफ्ट ने सबसे पहले विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम को 20 नवंबर 1985 को पेश किया था। ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर में एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। यह यूज़र और कंप्यूटर हार्डवेयर घटकों के बीच एक इंटरफेरेंस के रूप में कार्य करता है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण कौन कौन से हैं, मेन तो आपके यही होते हैं बच्चों लिनक्स, उसके बाद यूनिक्स, ठीक है, लिनक्स, यूनिक्स, डोस, विंडोज, देखो विंडोज नहीं है, ठीक है, उबंटू है, उसके बाद एबिडेंट ऑपरेटिंग सिस्टम है, ओपन बीएसडी, मैक ओएस है, ठीक है। उसके बाद है हाकी पिक्की सिद्धि,
कर्नाटका के डैश की हैं। ये क्या है, भाषाएं हैं, कर्नाटका की भाषाएं हैं हक्की पिक्की सिद्धी। देखो बच्चों, कर्नाटका के बारे में अगर आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें बताऊं तो कर्नाटका से संबंधित है। देखो ध्यान से सुनिएगा, अगर मैं बात करूं कर्नाटका की तो कर्नाटका में क्या है, कर्नाटका में आपकी हम्पी है। क्या है बच्चों, हम्पी है। हम्पी क्या है, कैपिटल है। किसकी कैपिटल थी बच्चों हम्पी, हम्पी कैपिटल थी किसकी, विजयनगर एम्पायर की। ठीक है, किसकी थी, विजयनगर एम्पायर की। अगर मैं बात करूँ विजयनगर एम्पायर की तो इसकी स्थापना कब हुई थी, 1336 में हुई थी। एसएससी का मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है कि विजयनगर एम्पायर की स्थापना कब हुई थी, 1336 में हुई थी। किसने की थी बच्चों, दो भाई थे जिनका नाम था हरिहर और बुक्का। क्या नाम था, हरिहर और बुक्का, इन दोनों भाइयों ने इसकी स्थापना की थी। अगर हम बात करें हम्पी की तो हम्पी से एक क्वेश्चन आपका ये बनेगा, 1986 में, कब बच्चों 1986 में हम्पी को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, किसमें, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंक्लूड किया गया था। ठीक है, अगर मैं बात करूँ कर्नाटका की तो कर्नाटका में आपका एक इम्पोर्टेंट कुंद्रेमुख आयरन ओर है। क्या है, कुंद्रेमुख आयरन ओर जो है वो आपका कर्नाटका में है। ठीक है, ये आपने याद रखना है। हक्की पिक्की सिद्धी कर्नाटका की भाषाएं हैं। अध्ययनों के अनुसार कर्नाटका राज्य में कम से कम 72 भाषाएं बोली जाती हैं। ठीक है, सिद्धी और हक्की पिक्की को गंभीर रूप से लुप्त प्राय भाषाओं के रूप में वर्गीकृत किया गया है। देखो लुप्त प्राय है जब ये क्वेश्चन में पूछी गई है। ठीक है, कन्नड़ कर्नाटका की आधिकारिक भाषा है। कर्नाटका के प्रमुख नृत्य देख लीजिए, पूजा कुनीथा, पाटा कुनीथा, भूत आराधने, डोलू कुनीथा, यक्षगान कर्नाटका के विकसित एक पारंपरिक मंच है। आपने जो याद रखना है वो ये कुनीथा वाले याद रखने हैं दोनों, और एक ये यक्षगान रखना है जो सबसे महत्वपूर्ण है। ठीक है, उसके बाद पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन तेलंगाना की पहली मुख्य न्यायाधीश हैं। तो हिमा कोहली जो है वो तेलंगाना की पहली मुख्य न्यायाधीश बनी थी, 2020 में बनी थी। अब देखो पहली मुख्य न्यायाधीश बनी है तो वो तो हमारा एक स्टैटिक जीके का क्वेश्चन हो गया, तो ये आपने याद रखना है। ठीक है, उन्होंने 2021 में, ये आपने याद नहीं रखना। उसके बाद है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद, भाग तीन। बच्चों भाग तीन की बात की गई है तो ये हमारे क्या बताते हैं, मौलिक अधिकार बताते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, फंडामेंटल राइट्स बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, क्या बोलते हैं, फंडामेंटल राइट्स बोलते हैं। आर्टिकल सभी को पता होगा, आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक। ठीक है, इसमें आर्टिकल 32 आपका इंपॉर्टेंट होता है। अब क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन क्या पूछता है, क्वेश्चन पूछता है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संविधान के भाग में प्रदत्त अधिकारियों के प्रवर्तन के लिए उचित कार्रवाई से उच्चतम न्यायालय के समक्ष याचिका दायर करने का अधिकार देता है। ठीक, तो वही बात की गई है आर्टिकल 32 के बारे में। आर्टिकल 32 क्या है, रिट्स जारी करता है किसकी, सुप्रीम कोर्ट की। ठीक है बच्चों, अगर मैं बात करूं आर्टिकल 226 की तो आर्टिकल 226 में हाई कोर्ट्स की रिट्स जारी की जाती हैं। आर्टिकल 32 की बात करें तो इसको क्या कहा गया, हर्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया। हर्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसके द्वारा, बी आर अम्बेडकर जी के द्वारा कहा गया। किसके द्वारा कहा गया, बी आर अम्बेडकर जी के द्वारा कहा गया। ठीक है, अब इसके बारे में पढ़ लेते हैं। अनुच्छेद 32 व्यक्तियों को संविधान के भाग तीन में प्रदत्त अधिकारियों के प्रवर्तन के लिए सीधे सर्वोच्च न्यायालय जाने का अधिकार देता है। अनुच्छेद 32 व्यक्तियों को संवैधानिक उपचार का अधिकार देता है। यह व्यक्तियों को संविधान के तहत मान्यता प्राप्त अन्य मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए जो सुप्रीम कोर्ट है उसका दरवाजा खटखटाने के लिए, बस ये आपने याद रखना है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, रेणुका झील किस राज्य में स्थित है। अगर मैं बात करूँ रेणुका झील की तो जो रेणुका लेक है वो हमारी हिमाचल प्रदेश में स्थित है। रेणुका लेक कहाँ पे है, हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक है, रेणुका झील हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में स्थित है। यह समुद्र तल से 672 मीटर ऊपर है। आपने नहीं याद रखनी, आपने जो याद रखना है वो ये याद रखना है, 25 जनवरी 1971 को इसे देश के 18वें राज्य के रूप में पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था। हिमाचल प्रदेश का पशु चिन्ह हिम तेंदुआ है। ठीक है, कौन है, तेंदुआ। ठीक है, ये तीन आपने याद रखने हैं। उसके बाद है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में प्रसिद्ध पर्यटन स्थल पंबन द्वीप स्थित है। पंबन द्वीप का मतलब होता है बच्चों पंबन आइलैंड। पंबन द्वीप का मतलब क्या है, पंबन आइलैंड स्थित है। तो पंबन आइलैंड कहाँ स्थित है, ये आपका तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है, कहाँ पे है, एनसेनाडु। ठीक है, देखो हालांकि एक अनोखा द्वीप मुख्य भारत भूमि का हिस्सा नहीं है, फिर भी एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है।
पंबन द्वीप जो है वो तमिलनाडु में स्थित है, तमिलनाडु के राजनाथपुरम का जिले का एक हिस्सा है। पंबन द्वीप भारतीय प्रायद्वीप और श्रीलंका के बीच स्थित है, ये आपने याद रखना है। जो पंबन द्वीप है वो भारतीय प्रायद्वीप और श्रीलंका के बीच स्थित है। उसके बाद है रुशिकुल्ला रिवर, जो रुशिकुल्ला, ठीक है बच्चों, इसने पूछा है रुशिकुल्ला रिवर, तो रुशिकुल्ला रिवर कहाँ से, उड़ीसा से होकर प्रवाहित करती है, ठीक है। उसके बारे में देख लेते हैं, रुशिकुल्ला नदी, जो रुशिकुल्ला नदी है वो उड़ीसा राज्य की प्रमुख नदियों में से एक है। यह उड़ीसा के कंधमाल गंजम जिले के जिले में पूरे जल ग्रहण क्षेत्र को अतहसंत करता है। यह गंजम के पुरान बंद की बंगाल की खाड़ी से मिलती है। इसके मुहाने पर कोई डेल्टा नहीं है। इसकी सहायक नदियां याद रखनी है, बगुआ, दानुई, बनबदी आदि हैं। तीन सहायक नदियाँ याद रखनी है, बगुआ, दानुई, बम्बन आदि, ठीक है। उसके बाद है, निम्नलिखित में से कौन से कुषाण वंश का शासक नहीं है, तो कुषाण वंश का शासक कौन सा नहीं है, देखो ये चार ऑप्शन थे, तो नहापना जो है वो पश्चिम क्षेत्रों में एक महत्वपूर्ण शासक था, जो कि आपका कुषाण वंश का शासन नहीं है। एक सुलभ मुद्रा वह है, मुद्रा, एक सुलभ मुद्रा वह है जिसमें अन्य मुद्राओं के सापेक्ष मूल्यों में डैश की अपेक्षा की जाती है, तो उसको रिड्यूस कर दिया जाता है, उसको क्या कहते हैं, सुलभ मुद्रा कहते हैं, उसको कमी कर दी जाती है। देखो, अन्य मुद्राओं की तुलना में नरम मुद्रा के मूल्य में कमी आने की उम्मीद है, उसको क्या कहते हैं, सुलभ मुद्रा कहते हैं। नरम मुद्रा वह है जिसका मूल्य उतार चढ़ाव होता है, नॉर्मल क्या है, जिसका उतार चढ़ाव होता है, मुख्य रूप से अन्य मुद्राओं के सापेक्ष कम होता है। यह कम हो जाता है क्योंकि विदेशी मुद्रा बाजारों में उस मुद्रा की कम मांग होती है। एक नरम मुद्रा अन्य मुद्राओं के मुकाबले अपने मूल्य को बनाए रखने के लिए संघर्ष करती है, इसलिए ऐसा होता है, ठीक है। उसके बाद है एनिमल ट्रेडिंग फेस्टिवल, एनिमल ट्रेडिंग फेस्टिवल कहाँ पे मनाया जाता है, गुजरात में, ठीक है, और उसको क्या कहते हैं, वो था मेला, ठीक है। देखो, निम्नलिखित में से कौन सा गुजरात का पशु व्यापार पर्व एनिमल ट्रेडिंग फेस्टिवल है, तो वो था मेला क्या है, एनिमल ट्रेडिंग फेस्टिवल है, ठीक है। वो था मेला भारत राज्य के गुजरात के एक पशु व्यापार उत्सव है, ठीक है। यह नवंबर में व्योथा नामक गांव में आयोजित किया जाता है, इसमें आपने कुछ ज़्यादा याद नहीं रखना है। निम्न में से किसने जो ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला रेसर पहलवान कौन बनी थी, तो वो बनी थी साक्षी मलिक, ठीक है। कौन बनी थी, देखो ये याद रखना है, महिला पहलवान साक्षी मलिक ने 18 अगस्त 2016 को तीसरे स्थान के साथ 2016 रियो ओलंपिक का पहला पदक अर्जित किया। 23 साल की साक्षी मलिक कुश्ती में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला थी और किसी भी ओलंपिक खेल में जीतने वाली चौथी थी। भारत की 7 महिलाओं ने ओलंपिक पदक जीते हैं और उनके नाम हैं कर्णमल्लेश्वरी, मैरी कॉम, साइना नेहवाल, पीवी संधू 2 बार, साक्षी मलिक, साइखोम मैरी कॉम चानू और लवलीना बोरगन, ठीक है, ये आपने याद रखने हैं। उसके बाद आता है बच्चों, किस मुगल बादशाह ने मुक्सादाबाद नामक शहर का निर्माण किया था, मुर्शिदाबाद या मुक्सादाबाद, वो किसने किया था, वो किया था मुगल सम्राट अकबर ने किया था, ठीक है, किसने किया था, अकबर ने किया था। मुर्शिदाबाद को मूल रूप से मकसूदाबाद कहा जाता था, जिसे 16वीं शताब्दी में मुगल सम्राट अकबर द्वारा प्रतिष्ठित रूप से स्थापित किया गया था। 1704 में नवाब मुर्शिद कुली खान औरंगजेब के आदेश के बाद ने राजधानी को ढाका, अब ढाका टका बांग्लादेश, से स्थानांतरित कर दिया और शहर का नाम मुर्शिदाबाद रख दिया था, ठीक है। स्वतंत्र भारत में पहला विधि आयोग जो है वो कब स्थापित हुआ था, तो स्वतंत्र भारत में पहला विधि आयोग 1955 में स्थापित हुआ था। भारत सरकार ने 1955 में स्वतंत्र भारत के पहले विधि आयोग की स्थापना की थी। भारत के तत्कालीन महान्यायवादी, महान्यायवादी क्या होते हैं, अटॉर्नी जनरल होते हैं, जिनका आर्टिकल होता है आर्टिकल 76, श्री M.S. सीतलवाड़ इस अध्यक्ष। उसके बाद आता है, तब से 21 और विधि आयोग नियुक्त किए गए हैं, जिनमें से प्रत्येक का कार्यकाल 3 साल का होता है। पहला ऐसा आयोग आया था 1834 में लॉर्ड मैकले की अध्यक्षता के साथ, जो 1833 का चार्टर एक्ट आया था उसकी सिफारिश से आया था। उसके बाद है आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से किसे गॉस नामक इकाई से मापा जाता है, तो चुंबकीय फ्लक्स, ठीक है, किसे चुंबकीय प्रेरण या चुंबकीय फ्लक्स से, जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है उसे मापा जाता है ग्लोस। देखो, चुंबकीय फ्लक्स यह चुंबकत्व की मात्रा का एक माप है, जो किसी चुंबकीय क्षेत्र में एक निर्दिष्ट क्षेत्र से गुजरने वाली एक चुंबकीय रेखाओं की कुल संख्या है।
ए क्षेत्र के एक तल के माध्यम से चुंबकीय फ्लक्स के एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी में रखा जा सकता है। ठीक है, आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल SSC Solutions with Anuj पर मिल जाएगी। धन्यवाद।